Hey guys, this is Nakul Sharma. Welcome to my YouTube channel. This video is going to be based on C4 review and इस video में हम बात करेंगे C4 के benefits, जो C4 workout है, one of the most popular workouts in the entire world. मैं guys पूरी try करूंगा इस video को जितना छोटा रख पाऊं and review को जितना short रख पाऊं, जितना possible हो पाएगा उतना छोटा रखेंगे इस video को. So without any further ado, let's hop into it. What a catch! तो गाइस जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्री वर्कआउट्स इन द एंटायर वर्ल्ड C4 ओरिजिनल मैंने परचेज किया था आज से अराउंड एक मंथ पहले एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने ये परचेज किया. इससे पहले मैं काफी सारे अलग अलग ब्रांड्स के प्री वर्कआउट मैं यूज कर चुका हूँ बट आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. काफी इसका मैंने नाम सुना था एंड ऑनेस्टली गाइस मैं एक स्पॉइलर आपको वीडियो के स्टार्ट में ही देना चाहता हूँ कि It's worth the hype. ये जो pre-workout जितना इसका नाम है, जितनी इसकी hype create की गई है, it's worth every single penny. तो around पिछले एक महीने से मैं इसको daily use कर रहा हूँ अपने workout से पहले and honestly मुझे इसका effect जो था काफी अच्छा feel हुआ. During my workouts मुझे अच्छा pump मिलता है and सबसे बड़ी अच्छी चीज जो मुझे इसकी लगी कि जो एक रिक्वायर्ड किक होती है आपकी वर्कआउट से पहले जो प्री वर्कआउट आपको देता है जनरली वो किक इससे आपको मिलेगी एंड आपका वर्कआउट सेशन अगर आप आधे घंटे में टायर्ड फील करते थे एंड इसको ले रहे हैं तो आप आधे घंटे के वर्कआउट सेशन को एक्सटेंड करके इजीली एक घंटे का बना सकते हैं एंड अगर आप ऑलरेडी एक से डेढ़ घंटा आपका वर्कआउट सेशन चल रहा है तो एक प्री वर्कआउट आपके लिए आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बॉडी हमारी कुछ टाइम के बाद टायर्ड फील करना स्टार्ट कर देती है एंड उसका रीजन यही है कि हम काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज करते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट एंड स्वेटिंग की वजह से आपकी बॉडी वैसे ही थकान फील करती है. तो गाइज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को साइड पे रख के हम स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू से एंड मैं बात करूंगा अब इसके इंग्रेडिएंट्स की और एंड में हम देखेंगे कि इसका जो प्राइस है वो जस्टिफाइड है मार्केट में कि नहीं. तो अगर हम स्टार्ट करें इसके इंग्रेडिएंट्स से जो पहला इंग्रेडिएंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट इज बीटा एलानाइन और वो हमें इसमें सर्विंग में पर सर्विंग हमें मिल रहा है 1600 मिलीग्राम्स. अगर आपको बीटा एलानाइन 1000 मिलीग्राम्स दैट इज 1 ग्राम से ऊपर अगर आपको बीटा एलानाइन किसी भी प्री वर्कआउट में मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर इट. अब बाकी इंग्रेडिएंट्स को हम देखते हैं. क्रिएटिन नाइट्रेट, हाँ गाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट C4 ये आपका क्रिएटिन बेस्ड प्री वर्कआउट है. दूसरा इंग्रेडिएंट गाइज जो इसमें आपको मिलेगा वो है क्रिएटिन नाइट्रेट. ये क्रिएटिन बेस्ड प्री वर्कआउट है C4 हमारा एंड इसमें आपको अराउंड 1 ग्राम आपको क्रिएटिन मिलेगी पर सर्विंग. क्रिएटिन की अगर हम बात करें काफी सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि ड्यूरिंग द कटिंग साइकिल वो इसको नहीं यूज कर सकते तो अगर आप नहीं भी यूज करना चाहते स्टिल 1 ग्राम इज नॉट गोइंग टू हार्म यू इन एनी वे. इट डजंट मैटर आप कटिंग साइकिल पे हैं या आप गेनिंग साइकिल पे हैं या जस्ट आप एक मेंटेन करना चाहते हैं अपना जो भी आपका इस टाइम पे जिस फेज में आप चल रहे हैं इट डजंट मैटर एट ऑल. 1 ग्राम क्रिएटिन आपको हार्म नहीं करेगी इन एनी वे. तो जहां तक क्रिएटिन की बात है तो इट्स अ ग्रीन सिग्नल अगेन. अब देखते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें जो हमें मिलते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग्स जो मुझे इसमें लगी वो है आर्जिनाइन. आपको इसमें आर्जिनाइन भी 1000 मिलीग्राम मिलेगी दैट मीन्स 1 ग्राम. अगर आर्जिनाइन नीड्स की हम बात करें तो 1 ग्राम पर डे इज मोर देन इनफ. एक नॉर्मल इंसान के लिए 1 ग्राम बहुत होती है तो इसमें जो आपकी क्वांटिटी जो आपको मिल रही है आर्जिनाइन की दैट इज सफिशिएंट. उसके अलावा इसमें आपको विटामिन सी भी मिलेगा 250 mg जो कि आपको कुछ प्री वर्कआउट्स में नहीं देखने को मिलता एंड विटामिन B6 और उसके अलावा आपको फोलिक एसिड भी इसमें मिल रहा है एंड द लास्ट थिंग द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विटामिन B12 भी इसमें आपको मिलेगा 25 mcg. थोड़ी सी कंसेंट्रेशन अगर आपको लग रहा है इसकी कम है तो 25 mcg इज मोर देन इनफ कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इट इज अ प्री वर्कआउट. तो ये थे इसके इंग्रेडिएंट्स. चलिए अब आगे बढ़ते हैं रिव्यू में एंड बात करते हैं इसके प्राइस की. अगर आप इसको ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो प्राइस इसका फ्लक्चुएशन आपको अलग अलग ऑनलाइन स्टोर्स पे देखने को मिल सकती है बट मैंने इसको पर्सनली मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था. मैंने आई परचेज्ड इट एट अ केमिस्ट शॉप. केमिस्ट शॉप से मेरा खरीदने का इसका एक ही रीजन था. इसके साथ मुझे एक बिल भी मिला है एंड डीलर ने मुझे प्रॉमिस किया था अगर आपको इसमें कोई भी मिक्सिंग का केस मिलता है या आपको कोई भी ऑथेंटिसिटी पे इसके डाउट है तो वो अपने डीलर को इसको उसी टाइम रिटर्न करके आएगा
एंड मुझे रिप्लेस करके देगा एक जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ। तो बेस्ड ऑन दैट ट्रस्ट फैक्टर मैं वहां से परचेज करके लाया था। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ये 2200 का मिला था। ऑनलाइन मैंने चेक किया है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2500 to 2800, बट द गुड थिंग अबाउट इट इज दैट आपको इसमें 60 सर्विंग्स मिल रही हैं एंड एक नॉर्मल प्री वर्कआउट में आपको 30 सर्विंग्स ही मिलेंगी। तो इसीलिए इसको मैं बिल्कुल भी ओवर प्राइस नहीं बोलूंगा। अब बात करते हैं इसकी सर्विंग की, आपको कितनी स्कूप इसकी एक टाइम पे लेनी है एंड कितनी आपके लिए हेल्दी है और आपके आपका जो लेवल है इस टाइम पे, अगर आप एक बिगिनर हैं या आप इंटरमीडिएट हैं या आप एक प्रो लेवल पे हैं, ये डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा डिसाइड करने में कि आपको इसकी कितनी सर्विंग लेनी चाहिए एक टाइम पे। अगर आप एक बिगिनर हैं तो गाइस मैं सजेस्ट करूंगा आप इसकी हाफ स्कूप से स्टार्ट करें। इसकी मैं आपको स्कूप दिखाता हूँ, इसकी सर्विंग साइज आपको मिलेगा 6.5 ग्राम्स की इसकी स्कूप है। इसका अगर हम सर्विंग साइज चेक करें तो एक स्कूप आपको अराउंड इतनी इसको तो एक स्कूप आपको अराउंड इतनी मिलेगी इसमें। अगर हम हाफ स्कूप की बात करें तो अराउंड आपको हाफ फिल, कैमरा पे आई डोंट थिंक आप देख पा रहे होंगे, बट आपको इसको आधा यहां तक फिल करना है एंड 180 ml, अराउंड 180 to 200 ml ऑफ वाटर आप ले सकते हैं उसमें मिक्स करके। वर्कआउट से 30 मिनट्स पहले आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या फिर आप एक प्रो एथलीट हैं, प्रो लेवल एथलीट हैं, स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आपको आधी सर्विंग से ही स्टार्ट करना है। बेशक आपको फर्स्ट डे इसको इसका कोई खास इफेक्ट ना देखने को मिले, सेकंड डे से आप इसकी स्कूप साइज, सर्विंग साइज आप बढ़ा सकते हैं, बट फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड सजेस्ट आप आधी सर्विंग से ही स्टार्ट करें। और एक और चीज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसमें कैफीन कंटेंट। मैंने अभी तक इंग्रेडिएंट्स आपके साथ सारे शेयर किए थे, कैफीन की मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि उसको मैं एंड में आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो गाइज अगर इसमें हम कैफीन कंटेंट की बात करें तो आपको पर सर्विंग 150 mg ऑफ कैफीन इसमें मिलेगी। तो गाइज अगर आप लेट नाइट वर्कआउट करते हैं तो आपको थोड़ा सा इसका सर्विंग साइज कम ही रखना चाहिए स्टार्टिंग में, एंड फिर आप अपने जैसे आप कंफर्टेबल लगे आपको आप विद टाइम आप बढ़ा सकते हैं उसका सर्विंग साइज। एंड लास्टली जो इसका ओवरऑल एक्सप्लोजिव एनर्जी ब्लेंड जो इसमें है वो है 375 mg, एंड इसमें इन्होंने कैफीन के अलावा और कोई भी चीज़ की कंसिडरेशन मेंशन नहीं की है। आई एम रियली सॉरी गाइज, ही वॉज नॉट लेटिंग मी शूट एनी मोर, तो मुझे इसको भी उठा के लाना पड़ा यहाँ पे। तो गाइज अगर वीडियो को समराइज करें तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक बार फिर से शेयर करूंगा, मुझे इससे काफ़ी बेनिफिट मिला एंड मेरे जो वर्कआउट सेशंस थे उसमें मुझे मैं थोड़े हायर इंटेंसिटी के साथ मैं वर्कआउट कर पाता हूँ आजकल इसको लेने के बाद। द सेम कैन बी सेड फॉर अदर प्री वर्कआउट्स एज वेल, बट जिस प्राइस पे ये अवेलेबल है इट इज वर्थ एवरी सिंगल पेनी। एंड एंड लास्टली अगर हम इसमें जो अवेलेबल है मार्केट में सीरीज इसकी उनके बारे में बात करें तो आप चूज कर सकते हैं C4 ओरिजिनल, C4 स्पोर्ट, C4 रिप्ड एंड C4 एक्सप्लोजिव एनर्जी में से। मैं पर्सनली ओरिजिनल यूज कर रहा था बिकॉज मेरे को इससे एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो प्री वर्कआउट है मुझे उसकी जरूरत नहीं थी इस टाइम पे। इन फ्यूचर हो सकता है मैं स्विच करूं सीरीज, बट एज ऑफ नाउ आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द C4 ओरिजिनल सीरीज। दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं जितना पॉसिबल था उतना ऑनेस्टली मैंने इसका रिव्यू किया है। अगर आपके बजट में ये आता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर इट, एंड अगर आपको कोई चीपर ऑप्शन चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके लिए मार्केट में, मैं इससे कोई अगर लोअर कॉस्ट पे, अगर लोअर प्राइस पे कोई अवेलेबल है एक गुड क्वालिटी प्री वर्कआउट तो आपके लिए मैं उसको जरूर रिव्यू करूं। एंड गाइज लास्टली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं जो भी रिव्यू करता हूँ इस चैनल पे बिना यूज किए मैं कोई भी चीज कभी रिव्यू नहीं करता, मैं पहले उसको खुद यूज करता हूँ एंड जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसके साथ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी प्री वर्कआउट बोलेंगे तो मैं पूरी ट्राई करूंगा कि उसको पहले एक बार खुद यूज करूं अगर मैंने आज तक नहीं किया, एंड उसका एक रिव्यू आपके लिए तैयार करके शेयर करूं। गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।